तो वहीं संभल में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मंदिर से एक घंटा चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जब एसपी चोर से पूछताछ करने गए तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार गोली पैर में नहीं बल्कि सीधे भेजे में लगेगी। शौकी नाम के इस चोर ने 27 अक्टूबर को मंदिर से घंटा चोरी किया था। इससे पहले भी वो चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में पुलिस के हाथ से चढ़ा जिहादी चोर। केवल मंदिरों में करता था चोरी, चोरी के बाद प्रतिमाओं को करता था खंडित। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल पुलिस ने एक जिहादी चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने मुठभेड़ में इस गिरोह के सरगना शौकीन को अरेस्ट कर लिया। इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। हालांकि इसका साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने इस बदमाश की भी पहचान कर ली है और उसकी धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी है। पुलिस की पूछताछ में चोर शौकीन ने बताया था कि वह केवल हिंदू मंदिरों को टारगेट करता था और मौका देखकर मंदिरों में घुसकर दान पात्र को खाली कर देता था। इस दौरान वो मंदिर में देव प्रतिमाओं को भी तोड़ देता था। आरोपी ने अब तक दर्जन भर से अधिक मंदिरों में चोरी की बात कबूल की है। बीच हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश का जिहादी चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि जो चोर बदमाश था उसने कुछ दिन पूर्व में कई मंदिरों में चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया था और जहां पर कई लाखों की चोरी को घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। वहीं इसी को लेकर के पुलिस ने जिस संभल एसपी के आदेश अनुसार कई टीमों का गठन कर इसकी तलाश की जा रही थी। वहीं इसी को लेकर के जब पुलिस को मुखबिरी की सूचना मिली कि ये अभियुक्त यहाँ पर जो चोर था जो चोरी करने की घटना को अंजाम देने जा रहा था, पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया तो इस चोर ने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी और पुलिस की फायरिंग में ये चोर के पैर में गोली लगी। जो उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि संभल और बदायूं जिले के मंदिरों में चोरी करने के आरोप में कई बार जेल भी जा चुका है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक जिले में कुछ समय से मंदिरों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अभी 26 अक्टूबर को ही शनिदेव मंदिर में चोरी हुई थी। 27 अक्टूबर को देर रात्रि एक व्यक्ति द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ में घंटे चोरी करने का प्रकरण संज्ञान में आया था। उसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद में तीन टीमें लगा के सीसीटीवी खंगाले गए। तमाम सीसीटीवी खंगालने पे एक अभियुक्त का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुआ। बाद में इधर उधर के जनपद में पूछताछ करने में पता चला कि यह अभियुक्त शौकीन इस्लाम नगर जनपद बदायूं का रहने वाला है। इसने अपने एक अन्य साथी के साथ में मिलकर चोरी की घटना कारित की थी। चोरी की इस वारदात के बाद पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीम चोरों का सुराग जुटा रही थी कि शुक्रवार की देर शाम इन बदमाशों के बारे में इनपुट मिला। इसके बाद एसओजी ने चंदौसी पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर इस बदमाश को रोकने की कोशिश की। उस समय ये बदमाश अपने साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। इसने पुलिस को देखकर अपने बचाव के लिए फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी फायर करते हुए इसे दबोच लिया। कल देर रात्रि दीपावली के त्योहार के अंतर्गत पुलिस की टीम जो है वो इंस्पेक्टर महिला हमारी रेनू वो लगी हुई थी पेट्रोलिंग में। उसी पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने एक संदिग्ध बाइक वाले को रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उस पर पुलिस के जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा इस शौकीन के पांव में गोली लगी है और उसको बाद में तुरंत ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संभल लाया गया। इससे पूछताछ में पता चला कि इस व्यक्ति ने घंटे चोरी किए। यहाँ भी पूर्व में इसके ऊपर मंदिरों में घंटे चोरी करने का एक प्रोफेशनल चोर है। इसके द्वारा जुनाबाई में, इस्लाम नगर, बदायूं में और कई जगहों पे पूर्व में भी ये घंटे चोरी करने के आरोपों में जेल गया है। और पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने अपना पूरा जुर्म कबूल किया। इसने बताया कि मैं अधिकतर मंदिरों में ही चोरी की घटना को अंजाम देता था, मंदिरों से दान पात्र और घंटे चोरी करता था। संभल एसपी ने बताया कि यहाँ पर जनपद के कई थानों में, अलग अलग थानों में इस पर कई केस दर्ज हैं जो कि घंटा चोरी के, दान पात्र चोरी को लेकर। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस के शातिर बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों ने अभी दो दिन पहले ही एक युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया था। युवक के विरोध करने पर उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया था। दोनों ही बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज है। एक तारीख की सुबह एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। घटना के अनावरण के लिए एसीपी द्वितीय के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया गया था। आज उस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो बदमाश आज दोबारा कोई घटना कारित करने वाले हैं। इस सूचना पर उन बदमाशों की घेराबंदी की गई थी। सेक्टर 54 के पास एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा अपरक्षात फायरिंग की गई जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए।
दरअसल पुलिस सेक्टर 54 टी पॉइंट के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वे लोग नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाश मिथुन एवं राजा इनका नाम है। दोनों मूल रूप से बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ ये होशियारपुर में रहते हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं तमंचा बरामद हुआ है। एक बाइक बरामद हुई जो चोरी की है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन यानी 1 तारीख को रात में इनके द्वारा एक व्यक्ति को एक टेम्पो से उतारकर उसके पास से मोबाइल और रुपया छीना गया था। मऊ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से बदमाश को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश के खिलाफ आजमगढ़, गाजीपुर समेत मऊ के थाने में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तथा 25,000 के इनामी दीपक और देवदत्त गौड़ सनक राम प्यारे निवासी ब्रह्मस्थान जनपद कोतवाली नगर आजमगढ़ के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया तथा उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर, एक अवैध तमंचा 315 रूप, दो कोक का कारतूस और एक जिंदा कारतूस 315 रूप और चोरी गए 9710 रुपये व एक फोन बरामद किया गया। देहरादून के प्रेमनगर थाना इलाके में गौहत्या के मामले में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने शेरपुर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के तमंचे से फायर झोंकने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें बदमाश घायल हो गया। बदमाश का CHC सहजपुर में इलाज चल रहा था। टीम न्यूज़ स्टेट।